आप देख सकते हैं मैं फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और मैं अंदर जा रहा हूं ताकि मैं देखूं पाकिस्तान के फ्यूचर डिजाइनर्स की क्या थिंकिंग है और वो कैसे देखते हैं फैशन को। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, जैनब आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। और इस वक्त आप क्या बना रहे थे? मैं अपना ड्रेस टेक्निकल ड्राइंग। ओके, कब तक आप ग्रेजुएट हो गए यहाँ? दिस इज माई सेकेंड लास्ट सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर। ओके ओके, तो आप फ्यूचर है पाकिस्तान का फैशन? आई होप सो, इंशाल्लाह। आजकल का जो फैशन का सीन है पाकिस्तान में, आप उसे कहाँ देखते हैं, कहाँ रेट करते हैं? फैशन वैसे पाकिस्तान में फैशन इज गेटिंग वेरी मतलब एवरीबडी इज फैशनेबल। ठीक है, एवरीबडी ट्राइज टू बी मोर मतलब ड्रेस अप अच्छे करते हैं। आई रेट पाकिस्तान मतलब अब 8 तक तो हुई है। ठीक है। तो आप क्या चेंज करना चाहोगे, आप क्या क्या माइंड में है कि कैसा चेंज आएगा जब जैसे आप ग्रेजुएट होगे? ऑब्वियसली तो आपकी क्या कलेक्शन है? आई विल वांट टू टेल पीपल हाउ टू मतलब ड्रेस अप, ज़्यादा एक्सपोज करने के बजाय आप अपने आप को कवर अप करके भी यू कैन लुक वेरी ट्रेंडी एंड यू कैन लुक फैशनेबल। आजकल फैशन क्या? आजकल अगर पाकिस्तानी फैशन का पूछ रहे हैं मतलब लॉन्ग लॉन्ग शर्ट, लकर्स, एयरलाइंस, योक्स एंड ड्रेसेस। और इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी आपकी तरफ से? आप फैशन डिजाइनर हैं, ये सोच के बताना है। अभी तक तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी चूड़ी का पजामा तंग पहुंचे के लिए सलवारें आ रही है। ये आपका सजेशन है? ठीक है, आप मुझे बताओ कि देयर इज अ परसेप्शन अबाउट के जो लम्स के स्टूडेंट हैं और जो हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या जो इस तरफ है नहर से इस तरफ यूनिवर्सिटी, इनकी ड्रेसिंग में बहुत फर्क है, ये परसेप्शन आम तासुर है लोगों में? ये आप देखिए ना, लम्स में किस तरह के लोग जाते हैं, वो यूजली दे गो फ्रॉम गुलबर्ग एंड डिफेंस, तो उनके ड्रेसेस मतलब जो नहर का इस वाला हिस्सा है ड्रेसिंग दूसरी और इधर वाला हिस्सा है। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं कहूँगी मैं। गुलबर्ग और उसको लगा कि आपने और इकबाल था उन बेचारे को नीचे छोड़ दिए। नहीं, हर किसी पे डिपेंड करता है। लम्स के ज्यादातर लोग इन फैशन है तो बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है बिजली का बहरान, बिजली का बहरान, इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है हम लोगों को आगे। ठीक है, ये तो होगी टेक्सटाइल की बात, आपकी फील्ड की बात। अब मुझे बताओ आजकल फैशन क्या है? आजकल जो भी पहन लो फैशन, आप कमीज को इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो फैशन बन जाती है। ठीक है, तो जो लॉन्ग शर्ट्स है, लॉन्ग शर्ट्स अब लॉन्ग शर्ट्स खत्म हो रही हैं एज फार एज आई नो। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर जा रही है क्योंकि आपने सेमी लॉन्ग पहनी है। नहीं नहीं नहीं, तो लॉन्ग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लॉन्ग है। ऐसा 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 जा रही है, आप मॉडलिंग देखें, आप कैटवॉक्स देखें, तो ऐसा ऐसा जो शर्ट्स हैं वो शॉर्ट होती जा रही है। कौन सा डिजाइनर है फेवरेट आपका? मेरा आई लाइक HS1। स्माइल क्यों कर रही है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आज के लिए के बारे में कुछ बताएं कि आज आपने क्या पहना, लॉन्ग शर्ट, क्यू लॉट है, साथ जूती है जो मुझे पसंद नहीं आई। आई लाइक फंकी स्टाइल। फंकी स्टाइल, ठीक है जी। कान खाली हैं आपके? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हूँ, तो यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा फैशन जो है नहीं कर सकते आप। चलिए ठीक है, आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11, नंबर देने आपने कि आज आप कैसी लग रही है, नेहरू कैसी लग रही है, बताइए। 11 में से देने जी, 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 जी। मैं आज ये 3 सच बताया? क्यों ऐसा, इतने नंबर क्यों काटे? अगर आप पढ़ने भी आए हो यार, तो इतनी ज्यादा नंबर काट के ऐसी ड्रेसिंग इतनी बुरी नहीं लग रही? एक्चुअली मैं दिस इज नॉट माय डिपार्टमेंट, जहां मैं इस वक्त बैठी हूं। तो अपने डिपार्टमेंट में अच्छे कपड़े, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में अच्छे कपड़े पहन के जाती हूं। हां, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन के आती। झूठ बोलती जा रही हूं। नहीं, सही बोल रही है। सारा ये डिपार्टमेंट जो है, दिस इज फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, हम लोग हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग के। ठीक है, तो हम जब अपने डिपार्टमेंट में होते हैं तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं आदमी। वो दूसरा कैंपस आपको वहां जाना पड़ेगा। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मैरी, कैरी ऑन गिव। नाम है आपका सर? सैयद ज़ुहैब आदर। ज़ुहैब, ज़ुहैब आप क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? MBA। ठीक है, लास्ट टाइम जेल कब गए थे आप? जेल तकरीबन 12-13 साल। क्यों, क्या किया? किसी से मिलने गया था, मुलाकात थी। तेरे चांदने वाले जेल नहीं होंगे?
एनीवे कपड़ों में वापस आते हैं जी, मुझे बताओ कि आज जो कलर पहना आपने मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ के लिहाज से बहुत अच्छा लाइट कलर है आपका, और जीन्स भी आपकी ठीक है उसके साथ जा रही है आपकी फिजिक के साथ, ऑब्वियसली आप स्लिम फिट नहीं पहन सकते, जूते भी ठीक, हाथ खाली है, हाथ खाली है बेसिकली, आज मैं जल्दी जल्दी आ गया था इसलिए। वो क्या दो दिन लगते हैं करीब आने में, क्या यार ये बात नहीं बसती कहाँ तिजोरी में है, मैं नहीं उल्टी सीधी चीजें रखी होती हैं इस वजह से जो सारा ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे इधर उधर कर देते हैं बहाने बहाने लगाओ लगाओ, नहीं एक्चुअली बात यही है, वो हेयर स्टाइल मैंने जो सारा दो माह पहले जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे करवा लेते, इस वजह से अब मैं बड़े कह रहा हूँ, इस वजह से कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना दी, जो पूरी प्रॉपर लेंथ ऑफ स्पाइक्स थी तो नहीं बनते ना मेरे, नहीं बनते वो उल्टे सीधे बन जाते हैं जैसे आपके बने हैं वैसे नहीं बनते यार, तो सिंपल है एक खड़े रेडी, किसी को फॉलो करते हैं सेलिब्रिटी को, फेवरेट एक्टर कोई नहीं, कोई रजनी का नहीं फिलहाल तो कोई नहीं, मैं देखते नहीं फिल्म, देखते नहीं शो भी नहीं ऐसे टीवी पे देखता हूँ, नहीं नहीं आपका नहीं देखता, कलर्स देखता हूँ इंडियन चैनल है, कर दे यार कलर्स बहुत से फ्यूचर कलर्स में जा रहा है, 1 to 11 रेट करो अपनी ड्रेसिंग को, आज कैसे लग रहे हो, अच्छा लग रहा हूँ अपने आप को, तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन नंबर भी दे दो ना अपने आप को, 1 to 11 देने हैं, 1 to 11 देने हैं तो 1 पीऊंगी कि आज मैंने शेव भी नहीं की हुई और जो है ना कोई ड्रेसिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं, आप डाकू लग रहे हैं जी बिल्कुल, मैंने जो आपको जेल वाली बात पूछी थी सच सच आज नहीं, ये थे जो देखे उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया मेरी बातों को और अभी भी स्माइल कर रहे हैं, थैंक यू जाओ, थैंक यू सर, दोस्तों ये था आज का 11 नंबर, जैसे कि आपने देखा यूनिवर्सिटी काफी अच्छी लगी है मुझे, इवन दो के हमें अंदर शॉट करना पड़ा था सारा एपिसोड क्योंकि बाहर क्राउड नहीं था, अब मौसम अच्छा है और हम बाहर हैं, ये था पहला एपिसोड और जैसे कि आपने देखा कि लोग आउट ऑफ फैशन है, यहाँ भी लाहौर है पाकिस्तान है यू नो दैट, मेरे साथ खड़े हैं जुहेब, जुहेब मेरे नेक्स्ट शो के पहले इंटरव्यू है, जुहेब करेंगे बाद मुझसे, जी सर बिल्कुल करेंगे, करनी पड़ेगी अब तो आप लिंक पे हैं, ओके दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पे हैं कि वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू सेगमेंट कॉल्ड पिक्चर ऑफ द डे और अब टाइम है पिक्चर ऑफ द डे का, सो चेक इट आउट कि दो पिक्चर्स कौन सी हैं जो सिलेक्ट हुई हैं इस वीक के लिए, ओके सो ये है अब्दुल्ला नाजरीन और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला ने अपना पूरा जोर लगाकर अपनी वार्डरोब के सारे कपड़े यूज कर एक ये तस्वीर हमें भेजी है, ये सोच के कि वो हमें इम्प्रेस कर पाएंगे इस तस्वीर के साथ, बट आई एम रियली सॉरी टू से कि अब्दुल्ला रेटिंग इज 4 out of 11 एंड द रीजन इज जस्ट योर पिक्चर, जस्ट लुक एट इट और सोचो इसके बारे में, आज की दूसरी तस्वीर है अंश की और जैसे कि आप देख सकते हैं अंश एज कम्पेयर टू अब्दुल्ला काफी बेहतर है क्योंकि अंश ने एक अच्छा कलर पहना है विद अ प्रॉपर जींस, अंश के हाथ खाली है जिसकी वजह से आई थिंक आई विल डिटेक्ट सम मार्क्स, अंश की ओवरऑल लुक अच्छी है ना लाइक इट लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट इंप्रेसिव कि मैं उन्हें अच्छे मार्क्स दूं, सो आई विल गो फॉर 6 out of 11, टेक केयर अंश, तो नाज़रीन आप जरूर बताइएगा आपको आज का 11 नंबर कैसा लगा, यू कैन ईमेल अस ऑन 11 number@stylec60.tv एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक व्हिच इज अ पेज कॉल्ड 11 नंबर, सो आई विल सी यू गाइस देयर, टेक